हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग नई वैकेंसी के साथ आए हुए हैं और आज जिस पीएसयू में एक वैकेंसी है, इनफैक्ट काफ़ी वैकेंसीज है इसमें, उस पीएसयू का नाम है ईईएसएल। ईईएसएल जिसका पूरा नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये एक ज्वाइंट वेंचर है पीएसयूज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, ये पावर सेक्टर का पीएसयू है, तो ये काफ़ी अच्छा पीएसयू है क्योंकि अभी करंट के हिसाब से ऑयल पीएसयूज और पावर सेक्टर पीएसयूज ही मोस्ट प्रॉफिटेबल पीएसयूज हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ईईएसएल में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल्स पता करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ है, सबसे पहले इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा, आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ सकते हो। तो ये ईईएसएल का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है 15 अक्टूबर का आया हुआ है और इसमें रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस के लिए हुए हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ईईएसएल के बारे में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, सबसे मेन चीज़ें देखते हैं। तो टोटल 235 वैकेंसीज हैं फॉर द रेगुलर पोजीशंस, और एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे है। तो डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल, जिसका 70 का पे स्केल है, और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल 60 का पे स्केल, इंजीनियर टेक्निकल 50 का पे स्केल, असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल 30 का पे स्केल, टेक्नीशियन 21500 का पे स्केल, डेप्यूटी मैनेजर फिनेंस 70 का स्केल, ऑफिसर फिनेंस 50 का स्केल, असिस्टेंट ऑफिसर फिनेंस 30,000 का पे स्केल, असिस्टेंट फाइनेंस 21,500 का पे स्केल, डेप्यूटी मैनेजर सोशल 70,000 का पे स्केल, असिस्टेंट मैनेजर इंटरनेशनल बिजनेस 60,000 का पे स्केल, ऑफिसर इंटरनेशनल बिजनेस 50,000 का पे स्केल, असिस्टेंट मैनेजर सीएस 60,000 का पे स्केल, ऑफिसर सीएस 50,000 का पे स्केल, असिस्टेंट मैनेजर लीगल 60,000 का पे स्केल, ऑफिसर एचआर 50,000 का पे स्केल, असिस्टेंट ऑफिसर एचआर 30,000 का पे स्केल, असिस्टेंट मैनेजर आईटी 60 का स्केल, आगे इंजीनियर आईटी 50 का स्केल, ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट्स 50 का स्केल, असिस्टेंट ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट्स 30 का स्केल, असिस्टेंट मैनेजर पीआर 37 इयर्स वो है 60 का स्केल, ऑफिसर पीआर 50 का स्केल, असिस्टेंट ऑफिसर प्राइवेट सेक्रेटरी 30 का स्केल, असिस्टेंट जनरल 21,500 का बेसिक पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 26 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है और ये तो हमने सिर्फ अभी पहला कॉलम देखा है। तो अगर आप इस टॉप पे जाएं और देखें, जो हमने पोजीशंस देखी हैं 26 टोटल हो गया। उसके बाद अब अगर आप सेकंड लास्ट कॉलम देखें जो कि नंबर ऑफ पोस्ट जहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं हर पोस्ट का या हर पोजीशन के कितने ज़्यादा ज़्यादा पोस्ट हैं। जैसे पहला डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के 7 पोस्ट हैं। तो ये आपको पूरा देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव वे में। तो मैंने फिर से कहता हूँ कि इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लीजिएगा। तो मेन चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस किस पोजीशन के लिए हो रहा है और सब में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इंजीनियर टेक्निकल में तो 105 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सब आप देख लीजिए किसमें कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसमें पूरा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या चाहिए और एज का क्राइटेरिया क्या है। हम आगे चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये इंडिकेटिव स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस का स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर 2019 से। ओके फ्रेंड्स, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशंस हैज़ स्टार्टेड ऑलरेडी फ्रॉम 1 नवंबर 2019। तो बस एक दो दिन में ये स्टार्ट होने वाला है और ये 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक चलेगा और 30 नवंबर को सिर्फ 23:45 तक चलेगा। सो इट इज़ बीइंग डन फ्रॉम 1 नवंबर फ्रॉम 4 PM टू 30 नवंबर 11:45 PM।
रिटर्न एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट आपका दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 है। और ये कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में दिया हुआ है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जीडी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जीडी में रेशियो होगा 1:15 का। ओके, उसके बाद हमारा कुछ वेटेज दिया हुआ है, वेटेज फॉर मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन 80%, वेटेज फॉर पीएससी एक्सपीरियंस 10%, वेटेज फॉर टोटल एक्सपीरियंस 10%। यहाँ पे मार्किंग स्कीम दी हुई है, और ये रहा आपका टोटल ब्रेकअप। अगर आप रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में 70 का वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन में 15 का वेटेज है, इंटरव्यू में 15 का वेटेज है। सो इट्स क्लियर, मोस्टली सारे पीएससी में यही होता है कि आप अगर रिटर्न एग्जामिनेशन में इफ़ यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल, सो दैट मेक्स एन एज। उसके बाद आपको बस जीडी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस, ओके परफॉर्मेंस भी आप करिए, अगर आपका रिटर्न बहुत अच्छा गया है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। सो यू शुड फोकस मोर ऑन द रिटर्न पार्ट एंड ओके ओके ऑन द इंटरव्यू एंड जीडी पार्ट। आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड 500 रुपीज़ फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी इंटरनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, उनके लिए पूरा फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करके हमने वो देखा था कि कितना कितना वेटेज है, फीस है, और बाकी की चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। आप लोग से मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको गो थ्रू करिएगा। और कुछ ज़्यादा खास मुझे इसमें नहीं लग रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिया हुआ है जिस पे आप अपना कुछ कुछ पूछ सकते हैं, क्वेरीज वगैरह। ये प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मोर देन 200 वैकेंसीज हैं, इनफैक्ट 200 हमको टॉप पे पता चलेगा, टोटल 235 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट पीएसयू में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही अच्छी पे स्केल है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन है, जिस जिस कैंडिडेट्स आप सब लोग के लिए है, इट्स अप्लीकेबल फॉर ऑल। आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रिटर्न में क्रैक करिए, अच्छे से रिटर्न क्रैक करेंगे आपका आगे होने में बहुत फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो आप सभी व्यूअर्स से रिस्पेक्ट है, अगर आप पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस पहली बार आप मेरे इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आपको और भी वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे रिगार्डिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड एनी अदर स्टडी रिलेटेड स्टफ़। सो स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.